गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बिगिन सेमेस्टर टू ऑफ सोशल स्टडीज। सो लेट अस बिगिन चैप्टर वन ऑफ योर सेमेस्टर। द चैप्टर वन, आवर वाटर रिसोर्सेस। आवर वाटर रिसोर्सेस मीन्स हमारे पानी के संसाधन। ओके, हमारे पानी के संसाधन और स्रोत क्या क्या हैं, उनके बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो पार्ट में जाने से पहले हम सबसे पहले गेट सेट गो में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट गेट सेट गो। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द नेम्स ऑफ दिस वाटर बॉडीज। तो यहाँ पे वाटर बॉडीज के नाम को फिलअप करना है जो कि ब्लैंक्स में दिया गया है। ओके, मुंबई फेसेस दिस सी। पहला क्वेश्चन है मुंबई फेसेस दिस सी, तो इसमें आपको भरना है अरबियन सी, अरबियन सी। ओके, और सेकेंड नंबर है दिस लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। साउथ इंडिया में या दक्षिण भारत के दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं, तो सेकेंड नंबर में होगा गोदावरी। ओके, तो स्टूडेंट्स लास्ट में जो स्पेलिंग आई लिखा हुआ है वहाँ पे आई ना होकर के पहले आर होगा उसके बाद आई होगा, गोदावरी है ना, तो आई को आपको आर बनाना है फिर लास्ट में आई लिखना है। ठीक, थर्ड नंबर है दिस लेक इन उड़ीसा इज़ फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी दैट मीन्स जो अन्य जगह से आकर के रहते हैं उसको कहते हैं माइग्रेटरी, स्थानांतरण। ओके, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले बर्ड या जो भी हैं, लोग हों जानवर हों, उनको कहते हैं माइग्रेटरी। ओके, तो इसी तरह से बर्ड्स भी हैं जो अन्य जगह से आकर के उड़ीसा के इस लेक इस झील में अपना घर बनाते हैं रहते हैं। तो यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स चिलिका लेक, स्पेलिंग होगा सी एच आई एल आई के ए, है ना, तो उसमें आप लोग भर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रोसीड करते हैं लेसन के टेक्स्ट की ओर। ओके, तो हम इस पार्ट में पढ़ रहे हैं हमारे वाटर रिसोर्सेस। ठीक, हमारे पानी के संसाधन क्या क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। तो हम सभी लोग जानते हैं पानी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ओके, वी नीड वाटर टू ड्रिंक, कुक फूड, वॉश क्लोथ्स एंड डू मैनी थिंग्स एंड डू मैनी अदर थिंग्स। तो हम जब सुबह जब उठते हैं तब से लेकर के शाम सोने तक हम पानी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों में करते रहते हैं। तो पानी हमारे लिए इतना आवश्यक है, इतना ज़रूरी है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं। तो सुबह से लेकर के शाम के रात के सोने तक हम करते हैं। ओके, फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। और किसान जो कृषि लोग हैं, जो किसान भाई लोग हैं, वे साल भर इसी वर्षा के पानी पर निर्भर करते हैं अपने खेतों में फसल उगाने के लिए। ओके, अब इसके आगे का पॉइंट देखते हैं, सोर्सेस ऑफ वाटर।
सोर्सेस का मीन्स होता है स्रोत, है ना। सोर्सेस और रिसोर्सेस ये अलग है, रिसोर्सेस संसाधन हो गया और सोर्सेस हो गया स्रोत। तो यहाँ पे हम स्रोत के वाटर देखते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। तो इस पूरे धरती में अगर हम पूरे धरती को चार भाग में हम कर दें तो तीन भाग में पानी है और एक भाग में क्या है, जमीन होता है। ओके, अगर हम इस तरह से बना करके इसको हम चार हिस्से में बांट देते हैं, ठीक है, तो इस हिस्से में पानी, इसमें पानी, इसमें पानी और इसमें लैंड, है ना। ये तीन हिस्सों में पानी रहता है और केवल एक ही हिस्से में जमीन है, थल है, जिसमें लोग निवास करते हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ये सारे चीज़ केवल एक हिस्से में, और बाकी के तीन हिस्से में पानी है। ओके, देयर आर मैनी सोर्सेस ऑफ वाटर्स। तो इस तरह से पानी के कई स्रोत होते हैं जहाँ से हमें पानी उपलब्ध होते हैं। ओके, पहला हम देखते हैं रेन। तो रेन भी एक पानी का स्रोत है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। देखो, वर्षा का पानी जो होता है ये फ्रेश वाटर का एक मुख्य स्रोत होता है। वर्षा का जो पानी होता है वो सबसे फ्रेश होता है। ओके, फार्मर्स डिपेंड अपॉन रेन वाटर फॉर देयर क्रॉप्स। और किसान लोग, कृषि लोग इसी रेन वाटर पे अपने खेतों में फसल उगाने के लिए निर्भर रहते हैं। जब किसान भाइयों के लिए अच्छा बारिश होती है तो उनके खेतों में अच्छे फसल होते हैं, और जब नहीं होता है तो किसान लोग बहुत परेशान होते हैं अपनी फसल उगाने के लिए। ओके, तो इस तरह से कृषि लोग रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर जिसको हम भूमिगत पानी कहेंगे, जो जमीन को खोद करके जैसे कुआं और हैंडपम्प या बोर से निकाला जाता है उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर। ओके, मच ऑफ द रेन दैट फॉल्स सीव्स इनटू द ग्राउंड। और जो वर्षा का पानी जो होती है वो अधिकांश पानी जमीन में सोख लिया जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है ना, और उसी पानी को ग्राउंड वाटर कहते हैं। और वो ग्राउंड वाटर किन माध्यम से आता है, वो कुएं के माध्यम से आता है, बोर के माध्यम से आता है ना, बोर खोदा जाता है, कुएं खोदे जाते हैं और उसी के माध्यम से ये ग्राउंड वाटर हमारे लिए ऊपर में उपलब्ध किया जाता है। फिर अगला है पॉन्ड्स एंड लेक्स। ठीक, पॉन्ड्स एंड लेक्स तालाब और झील। एन एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड ए पॉन्ड। एन एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड अ पॉन्ड। तो देखो, एन एरिया ऑफ वाटर है ना, एक छोटा एरिया होता है जो खोदा रहता है, गड्ढा रहता है और चारों तरफ जमीन रहता है, और उसको हम पोंड कहते हैं, तालाब कहते हैं। अ लेक इज बिगर देन ये पोंड। तो एक झील पोंड से बड़ा होता है ना। पोंड कभी सूख भी सकता है, पोंड की पानी सूख जाती है और लेक की पानी नहीं सूखती है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा स्रोत, पानी का स्रोत
निकलने का स्रोत बना रहता है और पोंड होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता है, और उसमें जब वर्षा का पानी इकट्ठा जब तक रहता है तब तक उस पोंड में रहता है ना। और कोई कोई पोंड साल भर पानी रहता है, सूखता नहीं है ज़्यादा, ओके, पर अधिकांश जो पोंड होते हैं सूख जाते हैं, लेकिन वर्षा में इन तालाबों में पानी भरा रहता है। रेन वाटर कलेक्ट्स इन पोंड्स एंड लेक्स, और वर्षा का पानी इन्हीं तालाब और लेक में इकट्ठा होते हैं, ठीक। रिवर्स, रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द माउंटेन्स गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड रेन। जो नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, उन नदियों में पानी पहाड़ में जमे हुए बर्फ के पिघलने से उन नदियों में पानी बन करके बहते हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियाँ जो हैं हिमालय पहाड़ से निकलती हैं, और इन नदियों में कभी पानी सूखता नहीं है, क्योंकि इन नदियों में पानी हमेशा रहता है हिमालय पहाड़ की बर्फ की वजह से। वर्षा में तो बरसात का पानी रहता ही है, लेकिन गर्मी में धूप की वजह से पहाड़ की जो बर्फ होती है वो पिघलती है और इन नदियों में उतरती है। इसलिए कहा गया है द रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द माउंटेन गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड रेन, ओके। हेंस दे कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर, तो इसलिए इन नदियों में और इस तरह के नदियों में जो पहाड़ों से निकलती है, इन नदियों में साल भर पानी रहती है, ओके। रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लेटियो गेट वाटर ओनली फ्रॉम रेन, और जो नदियाँ ऐसे छोटे पहाड़ों से निकलती हैं, है ना, बड़े बड़े पहाड़ों से निकलती हैं, वहाँ तो बर्फ़ रहते हैं, जैसे हिमालय हो गया, ठीक है, हिमालय पहाड़ तो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए वहाँ से निकलने वाले नदियों में कभी पानी सूखता नहीं है। लेकिन जो छोटे पहाड़ होते हैं या तो पठार होती है वहाँ से आने वाली नदियों में नदियाँ की पानी सूख जाती हैं गर्मियों में, और उन नदियों में ज़्यादातर वर्षा के पानी ही रहता है, ओके। दे ऑलमोस्ट ड्राई अप ड्यूरिंग समर, और जो पठारों से आने वाली नदियाँ अधिकांश गर्मी में सूख जाता है, यहाँ मतलब कहीं कहीं पानी रहता है ना, और बाकी सूख जाता है, ठीक है। फिर अगला है सी एंड ओशियंस, समुद्र है सागर। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज इन द सीज एंड ओशियंस, तो धरती में जो अधिकांश पानी है वो है समुद्र और सागर में इकट्ठा रहता है। हाउएवर दिस वाटर इज सॉल्टी, लेकिन इतने पानी होने की वजह से भी यहाँ की जो पानी है वो खारा रहता है, नमकीन रहता है ना। समुद्र और सागर के पानी को हम लोग ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा नमक की मात्रा रहता है, ठीक है, उसको यूज़ करने से उसको डिसाल्टेशन की जाती है, उसमें का नमक को अलग किया जाता है, उसके बाद जो पानी है उसको यूज किया जाता है। हाउएवर दिस वाटर इज सॉल्टी, वी कैनॉट यूज इट, इसलिए यहाँ के पानी को हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक देखते हैं, और बाकी हम अगले वीडियो में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।